यहाँ से लिए मैंने ये गर्मा गर्म चाय और इसी के साथ डिपार्चर स्टार्ट हो गया। क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अभी मावली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पीछे देख सकते हैं आप लोग, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बूंदें बढ़ रही हैं। तो हम करने वाले यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत, जो कि है ट्रेन नंबर 22985 राजस्थान हमसफर एक्सप्रेस, जो कि उदयपुर सिटी से लेकर दिल्ली शहर वाला तक चलती है। तो इसकी आज हम जर्नी करने वाले हैं मावली जंक्शन से लेकर दिल्ली शहर वाला तक। इसका टोटल डिस्टेंस रहने वाला है 625 किलोमीटर का। तो चलिए फिर, ट्रेन का 1:19 पर यहाँ अरेवल टाइम है और 1:21 पर यहाँ से चलने का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 बज रहे हैं, अभी लगभग एक घंटा पड़ा है हमारे पास, 50 मिनट्स के करीब है टाइम। सो ये जो हमारी हमसफर एक्सप्रेस है, ये एक वीकली ट्रेन है, ये सिर्फ संडे को चलती है उदयपुर सिटी से। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मावली से 1:21 पर और सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे 11:25 पर दिल्ली सवाई रोहिला। और आज की जर्नी में हम जो ये रूट जो कवर करने जा रहे हैं, वाया हम लोग जाएंगे चंदेरिया, भिलवाड़ा, अजमेर, रिंगस होते हुए दिल्ली सवाई रोहिला की तरफ बढ़ेंगे। ट्रेन के अरेवल होने का टाइम है, मैंने कहा चलो आपको असरवा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अरेवल दिखाई दे, पहले उसका डिपार्चर दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी जर्नी की बात हमारी ट्रेन के अरेवल के साथ। रात के टाइम पे ट्रेनों के जो अराइवल और डिपार्चर होते हैं, शांति से पीसफुल, कितने अच्छे लगते हैं यार। चलिए अब मिलते हैं सीधा हमारी ट्रेन के अराइवल पे। सो फाइनली अराइवल होने जा रहा है हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी हमसफर एक्सप्रेस का, बिल्कुल राइट टाइम पे 1:19 का टाइम है और 1:19 पर ट्रेन आ चुकी है। और हमसफर एक्सप्रेस की जो लिवरी है, ये मेरी फेवरेट लिवरी है जो कोचेज में अगर देखा जाए तो। हमसफर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा सुंदर ट्रेन लगती है मुझे, और आज मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने जा रहा है किसी हमसफर एक्सप्रेस की जर्नी में आज करने जा रहा हूँ। तो आइए करते हैं इस जर्नी को शुरुआत। WAP 7 लगा हुआ है इसमें,
एक इसमें स्लीपर कोच है, बाकी सारे इसमें थर्ड एसी हैं, हम सब अवेलेबल वाले। और मेरा कोच है आज B11, साइड लोअर सीट है हमारी 71 नंबर। आप लोगों को हम सब एक्सप्रेस कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना यार, मेरे को तो बहुत ज्यादा सुंदर ट्रेन लगती है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और उदयपुर से चलने के बाद इसका ये पहला हॉल्ट है। अब यहाँ से हम चलेंगे तो हमारा चंदेरिया आएगा, वो सेकेंड हॉल्ट है इस ट्रेन का, और हम लोगों के लिए फर्स्ट हॉल्ट होगा। तो ये पेंट्री कार कोच, चलिए मैं चलता हूँ अपने कोच पे क्योंकि 2 मिनट का होल्ड है, फिर मिलते हैं सीधा डिपार्चर पे। सो डिपार्चर होंग भी हो गया हमारा मावली जंक्शन से, अब करते हैं इस ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत यार, हम सब एक्सप्रेस में फाइनली। मुझे बहुत टाइम से बनता हम सब एक्सप्रेस कवर करने का और ऐसे ही हम सब की ओरिजिनल लिपि के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारा डिपार्चर स्टार्ट हुआ है। साइड मीटर गेज की लाइन आपको अगर दिख रही हो तो उसकी जर्नी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज चेकआउट करना, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मीटर गेज की जर्नी की थी मैंने यहाँ से मावली से लेके गोरम घाट तक। चलिए अब चलते हैं अंदर सीट पे और आपको मिलता हूँ मैं सीधा चंदेरिया के अराइवल पे। ये अपनी सीट 71 साइड लोअर। तो ये मेरी सीट है 71 नंबर साइड लोअर, बट मेरे को लगा हम सफ़र के लिए भी है तो इसका प्रॉपर इंटीरियर भी हम सफ़र वाला होगा, बट नहीं, नॉर्मल LHB जैसा इंटीरियर है, लेकिन हाँ कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है। इस तरीके का देखो नॉर्मल LHB वाला इंटीरियर है इसमें। चलिए फिर मैं आप बेड शीट अरेंज कर लेता हूँ। ये हम लोगों ने अपना बेड सेट कर लिया है, देख सकते हैं ये रहा ब्लैंकेट, ये बेड शीट, तो ये पिलो, तो ये हमारी फेवरेट साइड लोअर सीट। ट्रेन नंबर 12981 जयपुर असरवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 25 मिनट डिले है अपने टाइम से। कैसे लगी भाई इसकी क्रॉसिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और हम लोग अभी खड़े हैं पंडोली रेलवे स्टेशन पे, हमारी ट्रेन अभी टाइम से 17 मिनट बिफोर थी तो यहीं पे खड़ा कर रखा है, और इसकी क्रॉसिंग के बाद फिर से चल दिया हम लोग। और जो हमारी हमसफर एक्सप्रेस है इसकी भी एक शेयरिंग है पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस के साथ। हम लोग पहुँच रहे हैं चंदेरिया रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है CNA, और मावली से लेकर यहाँ तक हमने 73 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट आएगा बिलवाड़ा।
और 2 मिनट की होल्ड के बाद डिपार्चर होम हो गया हमारा चंदेरिया से। तो चलिए चलते हैं, डिपार्चर लेते हैं हम लोग। जो सामने से ट्रेन क्रॉसिंग हो रही है ये है 19665 खजुराहो उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि खजुराहो से लेकर आगरा कैंट के बीच कैंसिल है। आगरा कैंट से बन के चल रही है आजकल ये। चलिए देखिए आप लोग इसकी क्रॉसिंग। सामने है हाईवे जहाँ पे आपको ट्रक वगैरह जाते हुए दिख जाएंगे। अब जहाँ हम खड़े हैं ये स्टेशन है मांडविया। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है भिलवाड़ा। चलिए अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ भिलवाड़ा का अराइवल। सो गाइस हम लोग पहुँच रहे हैं भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BHL। यहाँ पे हम लोग 13 मिनट डिले पहुंचे हैं। 3:25 का टाइम था, 3:39 पे आए। 14 मिनट की देरी से आए हम लोग भिलवाड़ा, क्योंकि बीच एक क्रॉसिंग के लिए जहाँ रोका था वहाँ थोड़ा डिले हो गई ट्रेन। स्टेशन कोड जैसे आपको मैंने बताया BHL है भिलवाड़ा का। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से लिए मैंने ये गर्मा गर्म चाय और इसी के साथ डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा भिलवाड़ा से। और यहाँ पे मेरे एक रेल फ्रेंड फ्रेंड रहते हैं शरद भाई। अब दिन का टाइम होता तो मैं उनसे मिलने के लिए भी बोलता यार, बट क्या करें, रात को 3:30 बजे का टाइम है। सुबह भी कह सकते हैं इसको कि सुबह ही होने वाली है थोड़ी देर में। तो शरद भाई से भी मिलने का मन था, बट कोई बात नहीं,
बाकी शरद भाई का वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ बताना, दिन का टाइम होता जो से मिलते, अब यहाँ तक आया हूँ और सोचो मिल नहीं पाया यार। चलिए फिर आप लोग देखिए हमारा भिलवाड़ा से डिपार्चर, नेक्स्ट हॉल्ट हमारा आएगा अजमेर। भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन में फर्स्ट टाइम आया हूँ इस बार। यहाँ तक हम लोगों ने 119 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। चलिए डोर बंद कर देते हैं। तो आपका टाइम है भाई, सेफ्टी जरूरी है, अपना अराइवल डिपार्चर लिया और साथ साथ डोर क्लोज। ये ली थी हमने चाय, यहाँ से टेस्ट करता हूँ बताता हूँ कैसी है। गर्मा गर्म चाय है, टेस्ट में भी अच्छी है। अब यहाँ से अजमेर तक मैं आपको सीधा अजमेर का अराइवल दिखाऊंगा, जब तक थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह डे लाइट में काफ़ी कुछ कवर करूंगा मैं इस जर्नी के दौरान, क्योंकि हम सफर जैसे आपको बताया मैंने काफ़ी खूबसूरत ट्रेन लगती है मुझे, तो उसकी सुंदर लिपि के साथ हम लोग देखेंगे सुबह के नज़ारे। तो चलिए चाय ख़त्म करते हैं और मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, हम लोग मिलते हैं सीधा अजमेर जंक्शन पर। जी सामने से आ रही है 20473 चेतक एक्सप्रेस, क्योंकि अपने टाइम से 39 मिनट डिले है, यानी कि 39 मिनट डिले। अब हम लोग खड़े हैं रेला रोड रेलवे स्टेशन पर, रेला रोड। हम लोग पहुंच रहे हैं अजमेर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AII। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। ये खड़ी है आपकी मैसूरू अजमेर। यहाँ पे हम लोग 10 मिनट बिफोर आ गए अपने टाइम पे, 5:30 बजे पहुँचने का टाइम था और 5:20 पे आ गए हम लोग। अजमेर मैसूरू एक्सप्रेस और यहाँ से अभी 5:22 हो गए, हम लोग चलेंगे 5:40 पे, यानी कि अभी 18 मिनट यहीं पे रुकेंगे हम लोग, क्योंकि बिफोर आए हैं हम लोग।
सो गाइस अजमेर पे मैंने ये लिया है सुबह ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट है 40 रुपए का, 2 अंडे का बड़ा। और सबसे अच्छी बात है फ्रेश गर्म गर्म बना के दे रहे हैं, कुछ स्टेशन पे होता है ना कि बना के रखते हैं वैसा ही सब्जी। और चाय भी लिए तो चलो टेस्ट करके बताता हूँ कैसे। उससे पहले आपको मैं डिपार्चर दिखाता हूँ ट्रेन का, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं डिपार्चर में, तो डिपार्चर देते हैं फिर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊँगा फिर आगे चल के बोलते हैं। तो इसी तरह डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा अजमेर जंक्शन से। ये जी अजमेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए आपको कर्व दिखाते हैं अभी। ये है जी अजमेर का वो खूबसूरत सा कर्व जो कि स्टेशन से निकलता ही आपको कर्व मिलता है, बट अभी रोशनी कम है इसलिए आपको थोड़ी विजिबिलिटी कम आ रही होगी, बट उसके लिए जैसा कि मैं कहता हूँ कि अपने डिवाइस की आप लोग ब्राइटनेस फुल कर लीजिए ताकि आपको नाइट और डार्कनेस में ना बेटर क्लैरिटी मिले देखने को। क्योंकि अगर आप लोग कम ब्राइटनेस पे देख रहे हो अभी का फुल करके देखिए आपको कुछ ना कुछ सब जरूर दिखेगा। तो अजमेर से निकल चुकी है हमारी हमसफर एक्सप्रेस में, चलो आपको थोड़ी दिखाते हैं कि वॉश बेसिन और सामने मेयर की कैसी कंडीशन है, वॉशरूम भी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं मेयर एकदम क्लीन है भाई, 10/10 क्लीननेस को, और वॉश बेसिन भी एकदम क्लीन है, बढ़िया अभी तक सफर चल रहा है। ट्रेन की मेंटेनेंस भी अच्छी है, ट्रेन अंदर से भी काफ़ी साफ है और अटेंडर बिल्कुल अटेंटिव है कि एकदम से जैसे ही नीड पड़ रही है तुरंत आ रहे हैं हर स्टेशन पर, ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए आप वॉशरूम देखते हैं कि वॉशरूम की कैसी कंडीशन है। ये है जी इंडियन स्टाइल वॉशरूम, तो यहाँ पे भी मिरर है देख सकते हैं, ये भी भाई पूरा क्लीन है एकदम साफ सुथरा, देख रहे हो कहीं भी दाग नहीं है। और वॉश मशीन भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे यूरिन के लिए बना रखा है, और सामने बायो वैक्यूम टॉयलेट, नो स्मोकिंग भाई, नहीं पीनी चाहिए सिगरेट, गंदी बात होती है। तो देखो वॉशरूम ओवरऑल बहुत ज़्यादा साफ है, देखो नीचे से भी एकदम साफ सुथरा है तभी दिखा रहा हूँ। 15 minutes later. यहाँ पे हमारा पहुँचने का टाइम है 6:50 का, बट अभी 6:37 हो रहे हैं,
हम लोग बिफोर हैं अभी 10-12 मिनट अपने टाइम से। चलिए आप लोग देखिए फुलेरा पे अवेलेबल। एक खूबसूरत से कर्व के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं फुलेरा जंक्शन। खूबसूरत सी ट्रेन के साथ और एक खूबसूरत से कर्व के साथ सुंदर लगते हैं यार ये हम सफर के लिए भी यार। जंक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ से सांबर लेक की लाइन भी अलग होती है। सांबर लेक मकराना जंक्शन वाली लाइन यहाँ से अलग होती है। अब हम लोग आ रहे हैं अजमेर की सिंगड़ वाली लाइन से। तो फुलेरा का स्टेशन कोड है FL। यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड है हमारी ट्रेन का। सुहावनी सुबह कैसी लग रही है यार, देख रहे हो कितने प्यारा ऊपर बादल लग रहे हैं, इतनी सुंदर सुबह हो रही है यहाँ पे। और 10 मिनट बिफोर पहुँच रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 6:50 पहुँचने का टाइम है, 6:52 पे चलने का टाइम है 2 मिनट की होल्ड के साथ। बट हम लोग पहुँच रहे हैं 40 पे, तो यानी कि 12 मिनट के लगभग हम लोग खड़े होंगे यहाँ पर। और ये आबू रोड का एल्को लोकोमोटिव WTG 3A। सामने अपना फेवरेट EMD WTG 4। वैसे फेवरेट EMD जो है वो तो मेरे WDP 4D है, बट वैसे सारे EMD पसंद है मुझे, लेकिन WDP 4D तो अपना फेवरेट है यार। तो आगे हमारे जस्ट अभी निकली है असरवा जयपुर एक्सप्रेस जो मैंने आपको दिखाई थी मावली जंक्शन से, वो देख सकते हैं आगे जा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुलेरा जंक्शन। इस रूट का काफी इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है ये। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं हम लोग। आजकल 42 मिनट हो रहे हैं और 6:52 नहीं देखा, 10 मिनट बिफोर आए हम लोग, 8 मिनट बिफोर इस पहुँचे हैं 6:50 में आने का टाइम था, और 52 पे चलने का टाइम है, तो 10 मिनट अभी यहीं रुकेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ से डिपार्चर लेंगे। चलिए मिलते चलते यहाँ फुलेरा फिर डिपार्चर पे। स्टेशन कोड है FL। सो एग्जैक्ट 6:52 पे हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है फुलेरा से। अब अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ ही देर में मेहता रोड जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। चलिए आप लोग देखिए फुलेरा से हमारा डिपार्चर। और यहाँ को यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट है उसमें मेन लाइन जो है अहमदाबाद
अहमदाबाद जयपुर मेन लाइन मेहताबाद रेवाड़ी मेन लाइन भी यहाँ से अलग होती है, इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है। जयपुर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि अभी कुछ ही देर में आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की साइड। DP40 के साथ अभी जयपुर जंक्शन जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था अभी। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं रिंगस जंक्शन और ये DFC में WAG-12 शोर मचाते हुए जाते हुए काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर में WAG-12 ने। पहुंच गया रिंगस जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है RGS और ट्रेन ने यहाँ पे टाइम से 8 मिनट बिफोर पहुँचाया है, तो अभी यहाँ पे हम लोग लगभग 10 मिनट खड़े होंगे। 7:48 पे यहाँ से चलने का टाइम है और 7:38 पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ से आपको अगर खाटू श्याम जी जाना है सबसे बेस्ट पड़ता है रिंगस जंक्शन आइए खाटू श्याम जी जाने के लिए, यहाँ से आपको बाहर से शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी। और अभी आज मैं दिल्ली पहुँचूंगा सुबह और कल की मेरी ट्रेन है जनशताब्दी जिससे मैं रिंगस आना है, मैंने खाटू श्याम जी जाऊँगा फैमिली के साथ। 17 तारीख को आज मैं घर पहुंच रहा हूं, तो कल 18 तारीख को अजमेर जन शताब्दी से हम लोग रिंगस तक ही आएंगे। तो देख सकते हैं ये है कुछ रिंगस स्टेशन। बाकी मैं अराइवल के टाइम नहीं दिखा पाया क्योंकि उस टाइम मैं आपको DFC पे जो WAG-12 गैस फ्लाइट ट्रेन जा रही थी वो दिखा रहा था। चलिए अब सीधा यहाँ से मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा, फिर करेंगे जर्नी आगे कंटिन्यू। हाई रेंज पेंटोग्राफ के साथ जो वाई-फाई आ रहा है ये है ट्रेन नंबर 19620 रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस। ये देख सकते हैं हाई रेंज पेंटोग्राफ गाजियाबाद शेड का Wave 5 19620।
और ये अपने टाइम से अभी 20 मिनट डिले है। और एक मिनट बचा है हमारी ट्रेन के डिपार्चर टाइम पे। अभी आप देखिए रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस का डिपार्चर, फिर देखेंगे हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से। होंगकिंग हो गई, हमारा डिपार्चर भी स्टार्ट होने लगा है बस। जय हो श्याम बाबा की, श्री राधे श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राधे, जय खाटू श्याम बाबा की, हरे के सारे की जय। बस कल आना है मैंने यहीं पे, कल दर्शन करेंगे हम भी खाटू श्याम जी के। अभी आप ये जर्नी देख रहे हैं हम सफर की, इसके बाद आपको दिखेगी अजमेर जन से शताब्दी की जर्नी भी, जो मैं रिंगस तक आऊंगा कल। देखो कब अपलोड कर पाऊंगा एडिटिंग के बाद, बट हाँ इस जर्नी के कुछ दिन बाद ही अपलोड होगी वो जर्नी भी, जरूर चेकआउट करना। आज है 17 सितंबर, 18 सितंबर को आना है मैंने जन शताब्दी से यहीं पे, दिल्ली के एंड से रिंगस तक की जर्नी आएगी। चलिए आप लोग डिपार्चर देखिए हमारा रिंगस से। और जैसे आपको मैंने बताया खाटू श्याम जी आने के लिए सबसे बेस्ट स्टेशन आपको यही पड़ेगा, यहाँ से शेयरिंग कैब मिल जाती है आपको बाहर से। अमरापुर एक्सप्रेस श्री गंगानगर से बैंडवे टर्मिनस को जाने वाली, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आते हुए। और हमारी हमसफर ने ले लिया पिकअप यहाँ से। अच्छा अमरापुर एक्सप्रेस अप्रोच कर रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रेन में 2 मिनट का हॉल्ट है। 9:58 यानी कि 9:58 पे पहुँचने का टाइम है, अब 10 बजे वहाँ से चलने का टाइम है। अभी इस जर्नी का मावली से लेकर दिल्ली से बैवेला तक का मुझे फेयर पड़ा है 1145 रुपये।
सामने एल्को लोकोमोटिव के साथ एक ट्रेन है, देखते हैं कौन सी। अभी ये ट्रेन देखते हैं, बाकी डिपार्चर में आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म साइड से। सामने WG9 के साथ एक डबल स्टैक फ्राइट कंटेनर ट्रेन खड़ी है, आबू रोड का WDM3A, मदारेवाड़ी फुलेरा मदार पैसेंजर ट्रेन है कोई। प्लेटफॉर्म पे शंट हो रही है लगता है, से डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा टाइम से 3 मिनट डिले के साथ। बाकी लैब 7 ने पिकअप तो काफी अच्छा लिया है यहाँ से। स्टेशन कोड है RE। अब यहाँ से जो लाइन डाइवर्सन होते हैं दिल्ली एच में मेन लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं, बठिंडा रेवाड़ी लाइन और रेवाड़ी रोहतक लाइन, बीकानेर रेवाड़ी लाइन और मेहता रोड रेवाड़ी लाइन। अभी आ गई थी बीकानेर उदयपुर स्टेशन। बीकानेर इंटरसिटी ट्रेन नंबर 22472। ब्रेक शेयरिंग है इसकी उदयपुर इंटरसिटी के साथ।
कर रहे हैं दिल्ली के एंड, वैसे हमारा होल्ट नहीं है यहाँ पे, देखते हैं अगर सिग्नल क्लियर नहीं हो तो ट्रेन रुकती है, अगर रुकी तो मैं यहीं डीबोर्ड कर दूंगा, और नहीं रुकी तो फिर सवार ओला तो जब भी चल ही रही है यार। वालेट ने अब लगता नहीं रुकेगी, स्किप हो रहा है दिल्ली गेंट, चलिए कोई नहीं यार दिल्ली गेंट का स्किप भी देखते हैं, वरना हमेशा ट्रेन रुकती है यहाँ जब भी ट्रैवल किया किसी भी ट्रेन में, आज पहली बार मैं दिल्ली गेंट स्किप कर रहा हूँ। पहुंच रहे हैं दिल्ली सराय रोहिला, जो कि हमारी जर्नी का और इस ट्रेन की जर्नी का डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये इंदौर इंटरसिटी, न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी, एमटी रिक्स। जी तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DEE, और यहाँ पे हमारा पहुंचने का टाइम था 11:25 पर, हम लोग पहुंच गए 11:15, यानी कि 10 मिनट बिफोर हम लोग पहुंचे हैं। और आप लोगों को जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आई होप अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे को जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी बहुत बढ़िया रही है, ट्रेन बहुत बढ़िया थी यार, वो अच्छी हाई स्पीड में ट्रेन चली, 110 किलोमीटर थी बट ट्रेन कंटिन्यूसली चली है, कम होल्ट है, साफ सफाई बहुत बढ़िया थी, क्लीनलीनेस भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, और ट्रेन की पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है। मिलते हैं किसी और आने वाली ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।